बात हो रही थी कंपनी आपसे। ये दिनांक 10/1/19 को बीएस फार्म हाउस व कैलाश फार्म हाउस के पास मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति व 1 महिला को ये चोरी किए गए वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें से इनके पास एक स्विफ्ट कार है जो 8/1/19 को महेंद्रपुरी थाना मोदी नगर से चोरी हुई थी और अपने यहाँ मुकदमा अपराध संख्या 46/19 पंजीकृत है। एक सिलेंडर इंजन का बरामद हुआ है जो 14/12/18 को कृष्णा नगर से चोरी हुआ था। इसमें अपराध संख्या 1277/18 ये अपने मोदी नगर थाने में पंजीकृत है। 2 घंटा पीतल के बरामद हुए हैं जो 26/11/18 को ग्राम विशोरक शिव मंदिर से चोरी हुए थे। इसमें थाना मोदी नगर में 1158/18 का अभियोग पंजीकृत है। 2 इंजन लिस्टर के और 10 एचपी का एक पंखा जो थाना पिलुकुआ जनपद हापुड़ से चोरी हुआ था, जिसमें पिलुकुआ थाने में अपराध संख्या 20/19 धारा 379 का पंजीकृत है। 1 जनरेटर स्वराज इंजन का जो थाना निवाड़ी में अपराध संख्या 12/19 से संबंधित है, चोरी हुआ था, वो पकड़ा गया है। ये सभी एक चोरी का सामान एक छोटा हाथी है, उसमें ये लोग रखे हुए थे। छोटा हाथी भी इसमें बरामद हुआ है जिसको भी सीज कर दिया गया है और इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 को गिरफ्तार किया गया है और इनका एक साथी जो है वो हंसराज पुत्र रामपाल, ये जोहरा थाना जानी मेरठ का है, ये अभी फरार चल रहा है, इसी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इन पर पहले भी कोई आपराधिक मामले हैं? हाँ, इस संबंध में पता किया जा रहा है। इसमें जो एक अभियुक्त है, मेन जो एक इनमें अभियुक्त है नदीम पुत्र शौकीन, निवासी ग्राम मतरौली का है, भोजपुर का। ये 2011 में इसके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत थाना भोजपुर, लड़की की छेड़छाड़ का है, तो उसका भी विवरण मंगाया जा रहा है। 7-8 महीने लगभग जेल में रहा था, इसने ये बताया है, तो उस संबंध में जानकारी दी जा रही है।